आप सभी का मंगल हो। नमस्कार। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबको एक चीज़ नम्र निवेदन के साथ प्रार्थना करना चाहता हूँ। इस जीवन के अंदर, इस आधुनिक जीवन के अंदर हमारे पास समय नहीं होता कई बार बहुत सारी पूजा पाठ करने कराने का। मैं समस्त हिंदुओं से, सनातन वैदिक धर्मियों से एक प्रार्थना जरूर करूँगा। कृपया करके जिन्हें खुद को गायत्री मंत्र आता है, हवन करना आता, हवन की बात हो रही है तो ठीक है, नहीं तो कम से कम, और हवन आता है लेकिन जो कम से कम महीने में एक बार तो करते हैं। वैसे तो मैं तो कहूँगा एक चार छुट्टियाँ होती हैं, किसी की सोमवार की होती है, किसी अधिकांश रविवार की होती है, करना चाहिए एक छोटा हवन करना चाहिए गायत्री मंत्र का। लेकिन आपसे यही अनुरोध है, नहीं तो अच्छे विद्वान से, एक आप अच्छे विद्वान से बातचीत कर लीजिए, हर महीने आपके घर में एक हवन गायत्री मंत्र का होना चाहिए। इससे देखिए आपके घर में बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। मैं हवन की बात कर रहा हूँ, सिंपल हवन। उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करिए कि हे महाराज जी, आप मेरे घर में, समय आपका, सब कुछ आपका, हमारे को ये डेट सूट करती है या संडे का दिन सूट करता है, जो भी कुछ है आप उस दिन आके हमारे घर में हवन करिए, हम सबको आशीर्वाद दीजिए। आप देखिए तो सही आपके घर में कितना अच्छा रहेगा। दूसरी चीज़, खुद का करा हुआ जाप सोने में सुहागा डालता है। आजकल एक समस्या और हो रही है, बस वो मंत्र मशीन जाप करती रहती है, मशीन जो ऊपर चलती रहती है, हम सोचते हैं कि हमारा जाप हो रहा, जाप नहीं हो रहा। मंत्र मशीन के लिए मना नहीं कर रहा, वो अपनी जगह ठीक चल रही है, लेकिन हम इतने भी आधुनिक नहीं बने कि हम खुद नहीं करें। हमें खुद को करना चाहिए जाप, उसका लाभ ज़्यादा होता है। ये आप ध्यान कर लीजिएगा और उसी से अभ्यास बनता है। जाप करने का बहुत सीधा तरीका है, जब हम किसी से बात नहीं करें, लिख नहीं रहे, पढ़ नहीं रहे, बोल नहीं रहे, तो हमारा एक जाप चलते रहना चाहिए, ओम से लेकर गायत्री मंत्र, उस बीच में हजारों मंत्र, राम राम, ओम नमः शिवाय, ओम हनुमते नमः, ओ जो भी आपको अच्छा लगे, एक जाप चलते रहना चाहिए, जिसके कारण से आपका वो जाप धीरे धीरे आपके अंदर बस जाएगा। मेडिकल साइंस का नियम है कि जिस चीज़ को आप बार 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 दोहराते हैं वो आपके अंदर बस जाता है। कैसे मालूम पड़ेगा? जब आप संडास में टॉयलेट में बैठेंगे तो भी नहीं रुकेगा, रात को नींद खुलेगी तब भी चलता मिलेगा, तब आप समझ लीजिए कि वो जाप आपके अंदर बस गया है। सबसे अच्छी पहचान बताइए, आप ही ऑब्जेक्ट, आप भी सब्जेक्ट, कोई शंका नहीं, कोई किसी प्रकार का नहीं। दूसरी बात, पूजा पाठ कर, और मासिक धर्म में भी मानसिक जाप करने का कोई बाधा नहीं है, पूजा पाठ करने का भी एक ही तरीका सबसे अच्छा है, जब आपको फुर्सत मिलती करिए। हालांकि ठीक बात है, सुबह का और रात का करावा बहुत अच्छा होता है, शाम का करावा, लेकिन अब शाम तक तो रात तक तो लोग आते हैं घर में, अपने जैसे ही फुर्सत मिले करिए। नहा लो तो अच्छी बात है, शरीर हल्का हो जाता है, बिना खाए करो तो आराम से बैठा जाता है, नहीं तो जैसी आपकी इच्छा है। हाथ में भगवान आपकी पूजा पद्धति का भूखा नहीं है, भाव का भूखा है। आप खाना खाते हैं नहीं खाते हैं, कपड़ा पहनते हैं नहीं पहनते हैं, आप नहाते हैं नहीं नहाते, भगवान को इससे कोई मतलब, भगवान को इससे मतलब 24 घंटे में आप मेरे को एक एवरेज में 15-20 मिनट, एवरेज में 15 मिनट आप देते हैं कि नहीं देते हैं, इस चीज़ का आपको बहुत अच्छी तरह गौर करना है, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। और चलते फिरते भी जाप करिए, मैंने पहले बताया ना, आप कहीं भी आ रहे हैं जा रहे हैं, जब किसी बात नहीं करते चले, इससे आपके अंदर पॉजिटिव और आ जाएगा। आप खाना पका रहे हैं, आप ड्राइविंग कर रहे हैं, आप कुछ सब उसके अंदर वो रस जाता, भाव जाते रहते हैं, खाने वाले को भी अच्छा, बैठने वाले को अच्छा, पूरे घर में पॉजिटिविटी, आपके अंदर पॉजिटिविटी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, परिवार में बढ़ती जाएगी। धन्यवाद, मंगल हो आपका।